हाय, से हाय, से हाय। लोग पूछते हैं कोको का क्या हाल। क्या दूध बेचते हो इसका? किस तरह किलो है? 200 रुपए किलो। खालस जी। हाँ जी, पाओ जी, जरा थोड़ा टेस्ट करिए। वो सामने उधर जिम है। एकदम फ्रेश। देखो जी, हमने छली लिया। कितने का छली खान साहब? वाह 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 वाह, क्या ही बात है खान साहब। लालो लाल। हेलो, कैसे हैं आप दोस्त? सब ठीक हैं? बस आज के बाद हफ्ते में कोशिश करेंगे कि 2 से 3 वीलॉग तो अपलोड किया ही करें वीलॉग वाले चैनल पे। तो बस अभी इरादा ये है कि अभी जिम जाऊंगा। सुबह से कोको नज़र नहीं आया, तो मैंने कहा कोको को ज़रा कोको की तलाश की जाए कि कोको किधर है, उसको खाना शाना दे के और फिर ज़रा जिम शिम जाया जाए। ये फरार भी हो जाता ना कभी कभी, गायब भी हो जाता। और कोको कोको या हे इज द कोको। हाय कोको, लुक हियर। कम, ये देखें, काफ़ी अच्छा। और इधर मज़ेदार किस्म की पीछे ग्रीनरी है, मज़ेदार। कभी कभी यहाँ पे भी वीडियो बनाते हैं, बाकी ये छत पे भी कभी कभी हम बनाते हैं, लेकिन आजकल तो बड़ी गर्मी है, आपको पता है कि यहाँ पे वीडियो नहीं बनाते। कम कोको, लेट मी गिव यू सम फूड। लेट्स गो। आ जा। ये इसका यही एरिया है भैया, ये इधर से ऐसे इधर इधर है और वो उधर से उधर जाके, वो पीछे बैक साइड पे मैंने आपको दिखाया है इसकी बालकोनी वगैरह। तो ये तो खैर मैंने आपको दिखाई हुआ है। ये अपन लोगों का मोहल्ला भैया, ये हमारा मोहल्ला। इस पर लुकाटें लगी हुई थी लेकिन वो खा पी गए हम। या गोगो, हाय, से हाय, से हाय। लोग पूछते हैं कोको का क्या हाल है। कोको, लुक हियर, शो मी योर फेस। आर यू हंग्री? ओके, आई एम गोना गिव यू फूड। लुक हियर, या दिस इज कोको। ये कोको का फूड है। ये वैसे इम्पोर्ट होता है और ये सिलसिला ये है कि अब तो इस पर बैन लग गया है, मतलब अभी जो गवर्नमेंट है उसने बैन लगा दिया। खैर मैंने 1.5-2 महीने पहले से ही कोको पे इसको चिकन शिकन और ये वो इस तरह की चीज़ें खिलाने की आदत डाली है, तो अभी ये यूज्ड टू है। एक दो दिन ये खाता है, 2-3 दिन चिकन वगैरह खाता है। तो चलो जी, चलते हैं फिर जिम, चलते हैं, लेट्स गो जी। तो ये कौन है भाई? इधर आ। हेलो कर। इधर तो क्या बनाया तुमने? क्या बनाया? पकड़ो। जिम जा रहा हूँ, तुमने जाना है जिम? पकड़ो इसको। लाइट्स ऑन करके पकड़ो इसको। इधर आ। ये एक्चुअली ना कैमरे से शाय है। तो यहाँ पे जी कभी कभी हम मॉर्निंग वीडियो यहाँ पे शूट करते हैं। चलो, गाड़ी भी बहुत गंदी है, धोने वाली हुई है, चलते हैं। अभी गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही है यहाँ पे, अभी 35-40 सेंटीग्रेड है। चलो फिर भी 35 तक काबिले बर्दाश्त होता है, जैसे ही आगे आगे बढ़ता है काम तो फिर यू नो एसी के बगैर गुजारा नहीं है। जिम जाने की बहुत ज़्यादा आदत नहीं थी, लेकिन ये है कि अभी जब वज़न बढ़ जाता है तो फिर आई गो टू जिम। 2-3 महीने मुसलसल जाता हूँ, फिर ज़रा नीचे आ जाता है। वज़न कम करना मुश्किल नहीं है, लेकिन मसला ये है कि उसको मेंटेन करना, कि भाई हाँ मेंटेन कर पा रहे हो कि नहीं। तो मेंटेन करना ये मुश्किल है, लेकिन इस बार हमेशा की तरह कोई पता नहीं 150वीं बार ये वादा किया है कि इस दफ़ा हम वज़न कम करने के बाद उसको मेंटेन भी करेंगे। तो डाइट का होता है वैसे ज़्यादा, डाइट अंडर कंट्रोल हो तो काम अंडर कंट्रोल ही होता है, लेकिन अगर पराठे खाओ 2-3 दिन तो फिर तो वज़न मुश्किल से कम होता है ना भैया। अभी कोई 10 दिन हुए हैं दोबारा जिम ज्वाइन किया है और अभी होपफुली कंटिन्यू रहेगा काम तकरीबन जब तक है जान। मज़ेदार चीज़। क्या दूध बेचते हो इसका? किस तरह किलो है? 200 रुपए किलो। खालस, वाह, मैंने तो कभी पिया नहीं। इसका नाम भी रखा हुआ है कुछ? नाम नहीं रखा, कुछ तो नाम रखो ना इसका। इतना साइमा इस दा ते उस वाले दा
सुल्तान राई, ओहो हो हो हो, सुल्तान राई और साहिबा, वो और बच्चों का अंजमन कितना दूध देंगे ने एक दिन का? पंद्रह सोलह किलो, ठीक है यार। मैं पीता नहीं कभी आज तक, अल्लाह दी बड़े फायदे ने यार। अच्छा ते कोई प्याओ फिर कोई जरा थोड़ी साइड से कर लो, रोड से इस पास से लाओ। ऊंटनी का दूध पियेंगे, प्रॉब्ली द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ। मैं जिम शिम जा रहे हैं, थोड़ी एनर्जी तो आए ना। इधर 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 लाओ, साइड दे साइड दे, आपसे पहले तो वो ही लग गया। ये देखे आ हा जी, हाँ जी पाओ जी, जरा थोड़ा टेस्ट करिए। बहुत ज्यादा पा दिता ने, थोड़ा कट करो। चलो जी, लेट्स सी दैट हाउ इट इज। नमकीन नमकीन टेस्ट है। अच्छा मैं शापर जे पावा ते दो घंटे बाद फ्रिज च रखांगा। दो तीन दिन पड़ा रहे कोई बात। हाँ जी, तो अभी हम जिम ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं और रास्ते में आपको ऊँटनी का दूध भी निकलते हुए दिखाया भाई। और ये देखिए, मतलब अच्छा थोड़ा दूर है घर से, मतलब 10 मिनट की ड्राइव है, बट इट्स अ नाइस जिम एक्चुअली। अच्छा है, साफ सुथरा और मशीनें भी काफ़ी अच्छी है, तगड़ी हैं। वैसे तो ट्रेनर कह रहा था 25,000 रुपये दे दो तो मैं अच्छी ट्रेनिंग करवाऊँगा। मैंने कहा भाई मेरे को कौन सा प्रोफेशनल बॉडी बनानी है, हम खुद ही थोड़ी बहुत ही कर लेंगे जो हमें आती है। तो ये जी, इधर से हम जाएंगे राइट। आ जाओ, बहुत रश है भाई जिम में, पूरा भरा हुआ। इधर ही ठोक देते हैं भाई, ये है ना ज़्यादा बस, ठीक है भैया। ये भैया जिम, और ये देखिए माहौल। अंदर तो फुटेज बनाना पता नहीं कोई इतना अलाउड होगा कि नहीं। वो सामने उधर जिम है, यहाँ पे एंट्री करनी पड़ती है भैया कि आप आ गए हो जिम में, एंटर कर दो यहाँ पे, डाल दो भैया। कितने नंबर पे हम? 50 बंदे आ चुके हैं भैया। नंबर अपना है 4145। इतना टाइम तो वही हुआ है। ये देखें सामने, मतलब कुछ खाना पीना है तो ये भी सारा प्रोटीन शेक मेक पियो और हैव अ लुक, इट्स नाइस। ये ट्रेनर हैं हम। ट्रेनर सर कैसे हैं आप? ठीक हैं, ऑल इज़ वेल। जो दास ने ट्रेनर, देखें ऐसे ही होना चाहिए, बॉडी शॉडी बनी होनी चाहिए। वैसे तो देखिए ये एक्चुअली लेडीज एंड जेंट्स का कंबाइन है, तो अंदर तो थोड़ा सा अनएथिकल हो जाएगा कि मैं मतलब ऐसे ही घुमा रहा हूँ कैमरा इधर उधर। कुछ लोग नहीं भी आना चाहते बीच में, तो अपनी जो कर रहा हूँ थोड़ी बहुत ही मैं कोशिश करूँगा इफ़ आई कैन रिकॉर्ड इट। दिस इज़ द जिम। ये देखो ये टम्मी कम करनी है भाई, आपके भाई ने टम्मी कम कर दी। देखें काफ़ी अच्छा चल रहा सिलसिला। वो आगे तक सारा चल रहा सिलसिला तो। ये है ये
चलो एट द मोमेंट देयर इज नो फीमेल। ये हमारे छोटे दोस्त हैं, ये भी बॉडी बनाने आए हैं। मैंने कहा जरा आप थोड़ा हमारी वीडियो शीडियो बनाए, बॉडी तो आपकी पहले ही ठीक है, स्लिम स्मार्ट है आप माशाल्लाह। ये एप्स के लिए इट अफेक्ट्स योर एब्स हेयर। नहीं नहीं नहीं, ये नेक्स्ट लेवल है। ये जब हम दो तीन महीने कर लेंगे उसके बाद नेक्स्ट लेवल काम है तो फिर करेंगे। नहीं, वापस आ गए हम जिम करके यार। आज चेस्ट और ट्राइसेप अब तो मतलब इतना मतलब बाजू थके हुए, कैमरा भी उठाना मुश्किल हो रहा है। इट वॉज गुड। रास्ते में जाते हुए थोड़ी सब्जी शब्जी लेते हैं भाई, आजकल तो सब्जियाँ ही खा रहे हैं हम। कोई फ्रूट शूट भी लेते हैं। अरे निकलो, ए एकदम फ्रेश आपकी तरह। ये देखो जी, लग रही तो फ्रेश फ्रेश लग रही है भाई, फ्रेश लग रही है। खीरे किस तरह किलो? फ्रेश फ्रेश एक किलो खीरे दे दो। हाँ ये देखो, और टमाटर भी एक किलो दे दो फ्रेश फ्रेश। ये देखो भाई, फ्रेश फ्रेश माल। तरबूज किस तरह है? तरबूज 50 रुपए किलो। तरबूज तो महंगा लगाया हुआ, 30-40 मिल रहा है हर जगह। ये कार आप देख रहे हैं, ये कार यहाँ पे पता नहीं कितने सालों से टंगी हुई है। इसका नाम है कार चौक। गन्ने के रस नहीं, इसमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा हैं। जितनी कैलोरीज बर्न की हैं वो सारी हम पी लेंगे, फ़ायदा कोई नहीं। हम पीते हैं ये। सलाम अलैकुम, क्या हाल है? आड़ू का जूस है? आड़ू का नहीं है? ओए होए, नहीं भाई आड़ू का जूस नहीं मिला। पीच का जूस पीने का मन था और पीच का जूस मिला कोई नहीं। भाई निकले यहाँ से, हर बंदा ही कह रहा जी मुझे ले आओ वीडियो में। चलो जी चलाओ जी, पीछे अड़ जाओ पीछे अड़ जाओ। मुंडा जिम जो आया किसे ठुक ठुका ना जाए। देखो जी हमने छली लिया, कितने का छली खान साहब? 30। मसाला लगा यार, ये तो बहुत छोटा सा चली है। मसाला और लगाना, मसाला और लगा, और मसाला लगा दो थोड़ा सा। दूसरी तरफ तो बहुत रश है भैया, जिधर को अपन ने जाना है आपने जाना है, बहुत रश है उधर। चलो बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जरा अभी जरा हम छली भुट्टा भी बोलते हैं, फ्रेश है फ्रेश है। हाँ भाई टिक टॉक फ्रेंच फ्राइज खाने हैं आपने? ये फ्रेश माल। खान साहब संगे हाल दे, ठीक ठाक दे, सब ठीक ठाक? फ्रेश फ्रेश माल आया, एक अच्छा सा जरा निकाल टक लगा के जरा चेक कराओ, जरा लोग देखेंगे यहाँ पे कि लाल निकला है कि नहीं लाल निकला। वैसे तो कहते हैं किसी का बीच में मोटरसाइकिल भी निकल आता, अपनी अपनी किस्मत है। वाह वाह वाह, चलो अभी देखते हैं हम खुश किस्मत हैं कि नहीं। कोई अपने तजुर्बे से निकालो कोई लाल सा। वाह वाह वाह, ये जी इधर वजन होगा अभी। कहाँ से लेके आते हो खान साहब? मुख्तलिफ जगह से लेके आते हैं, गुजरांवाला, अफजाबाद, नौकर। मीठे ज़्यादा किस तरफ के होते हैं सर? ये के पी के पंजाब के? फर्स्ट टाइम जो आता है मिल्सी से फिर मामूगंज, गुजरांवाला का ज़्यादा मीठा होता है। गुजरांवाला, चलो जी गुजरांवाला का ही आज अभी पता चलेगा जनाब। वाह 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 वाह, क्या ही बात है खान साहब, लालो लाल बेहतरीन, कर दो पैक।
लाल भी होगा और मीठा भी होगा। मीठा भी हो गया इधर, अभी अभी चेक हो जाए। ओ हो हो, शायद है यार, शायद है, शायद मीठा, शायद। वाह वाह वाह, मजेदार, थोड़ा सा ठंडा करके फिर मजा आएगा। ऐसे गर्म करके मजा फिर नहीं होगा। मीठे का तो पता चल गया ना। मेरी पसंदीदा रोड्स में से एक रोड है यहाँ पे, मतलब बहुत ही शानदार, सरसब्ज ग्रीन, और ये पुराने अंग्रेजों के ज़माने के कोई बने हुए बैंगलोस, दो दो तीन तीन कनाल के और खुले डुले लॉन। मेरे ख्याल में मैं मोबाइल अंदर ही कर लूँ, ये ना कोई खो के ला जाए। आई इज वेरी ब्यूटीफुल। होप के आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा, मतलब हमने तरबूज भी खरीद लिया, जिम से भी हो आए, घूम फिर भी लिया, अभी घर जा रहे हैं हम। और ये सिलसिला जो है हफ्ते में कोशिश करेंगे दो तीन व्लॉग्स जो हैं उनको अपलोड किया जाए। वेल इट डिपेंड्स ऑन यू गाइस, यू वॉच इट, लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड लीव योर सजेशंस। दसिया करो ज़रा कि वे और इम्प्रूवमेंट आ सकती है, बाकी हम करेंगे ज़रा अच्छा अच्छा सा, ठीक है। आपका साथ रहा तो खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आबाद रहिए। फिर मुलाकात होती है अगले व्लॉग में, ठीक है। लव यू ऑल, और लाइक ज़रूर करते जाना। टेक केयर, बाय बाय।